जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये एक वीडियो देखिए जिससे कि आपको समझ में आ सके कि आखिर हम लोग इस वीडियो में किस विषय के बारे में बातचीत करने वाले हैं और क्या हमारा जो संदर्भ है राहुल कमल को लेकर वो किस बारे में। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखिए जो कि तजेंद्र सपाल सिंह बग्गा ने अपने ट्विटर के अकाउंट पर शेयर किया था। एट दैट मोमेंट इटसेल्फ सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन सर। Don't worry, you're in Nagaland. Electricity goes off even in India. Please go on speaking, Bhupen. We'll just listen to what you're saying. So that's the tricky part. इस वीडियो में मतलब जो प्रत्यर्पण होता है ना कि बाहर कोई मुजरिम होता है, भारतीय होता है, उसको भारत में लाना होता है, उसको लेकर जो बातचीत होती है, वो बातचीत चल रही थी नागालैंड के एक अधिकारी से। तो इसमें राहुल कमल ने यहाँ पर कहा है कि भाई मतलब लाइट चली गई, जिससे वो बातचीत कर रहे थे लाइट चली गई उनसे बात करते करते। तो सामने वाले शख्स ने कहा कि यहाँ पर बिजली कट गई है। तो राहुल कमल ने इसके जवाब में कहा कि हाँ ठीक है, आप नागालैंड में हैं, वहाँ पर बिजली जाती है, ऐसा ठीक है, ऐसा ही भारत में भी होता है। अब अगर कोई व्यक्ति श्रीलंका में बैठकर ये कहता है कि हाँ भैया आप श्रीलंका में हो, वहाँ बिजली कटती है, यहाँ भी कटती है, तो याद समझ में आती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नागालैंड में बैठा है और वो ये कहता है कि भैया हमारे यहाँ बिजली कट रही है, तो आप ये नहीं कहते कि भारत में बिजली कटती है। पहली बात तो ये कि नागालैंड भारत का ही एक हिस्सा है, और दूसरी बात ये कि ये कोई पहली बार नहीं है जब नॉर्थ ईस्ट की जो हमारे राज्य हैं उनको लेकर इस प्रकार की हीन भावना देखने के लिए मिली है। भाई मतलब जो सेंट्रल मुख्य धारा के लोग जो हैं, मैं कहूँगा वो सभी, चाहे वो मीडिया ग्रुप की बात कर लीजिए, चाहे वो पब्लिक की बात कर लीजिए, ये सभी लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों के प्रति जो भावना रखते हैं उसके ऊपर कई बार संदेह जताया जा चुका है। जिस तरीके से रेसिज्म होता है वहाँ के लोगों को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, वहाँ की जो सिनेमा होती है उसको सही तरीके से प्रमोट नहीं किया जाता, वहाँ के लोगों के आर्ट को प्रमोट नहीं किया सही तरीके से, ना ही तवज्जो दी जाती। इवन नॉर्थ ईस्ट की वहाँ पर राज्यों में जो भी कोई घटनाएं होती हैं उनको तक मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता है। और यही सारे कारण हैं जो कि एक व्यक्तिगत इंसान की मानसिकता को क्रिएट करते हैं, और वही मानसिकता होती है जो कि आखिर में ये कहती है कि आप नागालैंड में हैं और भारत में भी इसी प्रकार लाइट जाने का सिलसिला लगा रहता है। भाई आखिर इस मानसिकता का इलाज क्या है? आखिर ये मानसिकता क्यों डेवलप होती है? आखिर इस मानसिकता से हम कब तक लड़ते रहेंगे? और आखिर कब नॉर्थ ईस्ट के लोगों को सही तरीके से भारत का होने के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाएगा? क्योंकि पब्लिक नहीं मानती इस बात को, पब्लिक सही तरीके से उनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती है। कई सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो सिर्फ लेटेस्ट का है इसलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। कई सारे केसेस हो चुके हैं भाई। अब सीधी सी बात है, अगर आप इतने बड़े न्यूज़ एंकर होकर इस बात को इस तरीके से अपने चैनल पर कह रहे हो तो कुछ ना कुछ तो आपकी मानसिकता होगी। हालांकि राहुल कमल ने इसको लेकर बाद में माफ़ी मांग ली, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ये मेरी ज़ुबान से फिसल गई थी इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन बात वही होती है ना कि आपके जो दिमाग में था वही आपके मुंह से भी निकला, जाहिर तौर से बात है। अब इसको लेकर कुछ लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए जो कि वही भाषा बोल रहे हैं जो भाषा मैंने बोली है, ज़रा उनकी तरफ भी हम लोग नज़र घुमा लेते हैं। सबसे पहले गौतम नंदी लिखते हैं कि दिस इज़ पथेटिक, इवन सो कॉल्ड टॉप एंकर्स आर लैकिंग बेसिक नॉलेज ऑन इंडियन ज्योग्राफी और इट प्योर रेसिज्म अगेंस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गणेशन लिखते हैं म्यूजिक टू द ईयर्स ऑफ मिशनरीज बट शेम ऑन राहुल। अमित ठाकुर लिखते हैं होमवर्क किए बिना बैठ जाता है जनता के सामने, जनता सब देख रही है। सिंह साहब लिखते हैं ही शुड बी बुक्ड फॉर डिस्क्रिमिनेशन माय गवर्नमेंट नागालैंड, द नॉर्थ ईस्ट इज वाज एंड विल ऑलवेज बी इंडिया। आशिम राव लिखते हैं व्हाई नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑलवेज फेसिंग सच थिंग्स, लोग सवाल कर रहे हैं जाहिर सी बात है। इंडिया फर्स्ट से लिखते हैं अच्छे से समझाइए नागालैंड के बारे में, ही कांट गेट अवे विद दिस सो इजीली, मतलब इतनी आसानी से इनको छूटना भी नहीं चाहिए। हमने कुछ ही समय पहले देखा था पारस ऑफिशियल करके एक लड़का था, यूट्यूबर था, उसने एक टिप्पणी कर दी थी अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो कि काफ़ी घटिया थी। उसमें बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जो कि रिलीज होने वाला था उसको लेकर उसने टिप्पणी करी थी कि ये तो चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ टाइप के लोग दिखते हैं। बाद में उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था, उसके ऊपर काफ़ी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आई थी। तो जब हम लोग एक ऐसे आम आदमी को पकड़ सकते हैं तो फिर भैया ये राहुल कमल की टिप्पणी को हम क्यों ऐसे हल्के में छोड़ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है क्योंकि पारस का जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा ताज़ा केस है। विवेक कुमार लिखते हैं दीज पीपल विल से एनीथिंग दैट इज इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ टाइम टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम, शेम ऑन सच अ जर्नलिस्ट। देखिए पारस की जो बात थी ना वो भी पारस के दिमाग में इन्हीं चीज़ों, ऐसे ही जो इंसिडेंट होते रहते हैं हमारे आसपास, उन्हीं चीज़ों के कारण भरी थी और वही चीज़ फिर निकलती है ज़ुबान से बाहर। तो हमें अगर इन चीज़ों को रोकना है तो सबसे पहले जो बड़े और इन्फ्लुएंशियल लोग इस तरह की बातें करते हैं उनके ऊपर एक्शन लेना होगा, जिससे कि उनसे नीचे के लोग अपने आप इस बारे में बोलने से डरें। जयपाल लिखते हैं
an error or agenda. China spends 10% of its military budget of $250 billion on information war, buying prostitutes, such intellectuals, left liberandos, etc., etc. मतलब चाइना कितना पैसा खर्च करता है इन चीज़ों के ऊपर वो यहाँ पे बता रहे हैं. अमन लिखते हैं, इज नागालैंड नॉट अ पार्ट ऑफ आवर नेशन और इंडिया और यू डिडंट अ सिटीजन ऑफ माई कंट्री. फर्स्ट एयरलाइन लिखते हैं पथेटिक. राहुल कंवल, इशू अ करेक्शन ASAP. राहुल ने हालांकि माफ़ी मांग ली है. किरण लिखते हैं, आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट बट वेन एवर यू रिडिक्यूल पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट्स वेयर पब्लिक सेंटिमेंट्स फील लाइक वाई ओनली अस थिंक अबाउट इट. भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति को आप बार 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 किसी बात को लेकर टोचेंगे तो एक ना एक पॉइंट ज़रूर ऐसा आ जाएगा जब उसको भी ये चीज़ महसूस होगी कि यार हर बार मैं ही क्यों. चाहे बच्चों की बात कर लीजिए, किसी एम्प्लॉई की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, मैं तो ये कहूँगा अगर बार बार उसको लेकर चाहे जाने में चाहे अनजाने में अगर ताना मारा जाता है तो एक पॉइंट ज़रूर आ जाएगा जब उसको ये चीज़ फील होने लगेगी कि यार हर बार मुझे ही क्यों निशाना बनाया जाता है. ये स्वाभाविक सी बात है और इसमें कोई गलती किसी की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गलती उसी इंसान की है जो कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर इस तरह के कमेंट्स लगातार पास करता है और पीछे नहीं हटता. अरासु लिखते हैं, ही इज़ फ्रॉम योर पार्टी सो हिज़ IQ इज़ सेम एज योर्स एंड जनरल भक्स. अच्छा जी, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई राहुल कंवल जो है वो BJP का है और इसीलिए उसके IQ लेवल ऐसा है. बहुत बढ़िया बात है. दिस इज़ वाई नॉर्थ ईस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट. नॉर्थ ईस्ट की बातें करना क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये बताया. रवि लिखते हैं, जेल में डलवाओ इसको बग्गा भाई, 303 इसकी ये बकवास सुनने के लिए दे रहे थे क्या. इसके आगे एक और लिखते हैं, यस सर राहुल भाई, नागालैंड इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, पावर सप्लाई इज़ क्वाइट पुअर. अब जैसे इनको भी बोलना पड़ेगा भाई, नागालैंड कंट्री नहीं है, राज्य है, भारत के अंदर आता है. आदिल शेख लिखते हैं, ही शुड हैव सेड इट गोज़ ऑफ इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एज वेल. बिल्कुल सही बात कही है यहाँ पे आदिल ने कि अदर इंडिया के दूसरे भागों में भी इसी तरीके से बिजली जाती है. ये एक सही लाइन होती, ना कि ये कि नागालैंड की तरह ही इंडिया में भी बिजली जाती, मतलब शब्दों का खेल है सर. दीपक लिखते हैं, हु फकिंग वॉचेज इंडिया टुडे शिट एंड वाई शुड वी केयर अबाउट दैट, नॉट वर्थ द अटेंशन. देखिए बात यहाँ पर ये नहीं कि इंडिया टुडे कौन देखता है कौन नहीं देखता, बात यहाँ पर ये है कि इंडिया टुडे इस बारे में बोल क्यों रहा है, इस तरीके से क्यों बोल रहा है, जबकि उसकी व्यूअरशिप बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक व्यूअरशिप तो उसकी है. राजेश लिखते हैं, आज तक का राहुल कंवल अभी तक टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य नहीं बना होगा. ये इंडिया टुडे ग्रुप और इनका आज तक का चैनल जो भारतीय लेकिन सोच BBC जैसी है. BBC बन भाई, हमारे भारत में वैसे भी एक मानसिकता है कि बाहर के लोग बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा ही शायद न्यूज़ चैनल वाले भी करते होंगे. अनुज तिवारी लिखते हैं, राहुल नाम का असर है आज तक का अपना पप्पू. भाई अब यहाँ पे कौन किसकी तरफ इशारा कर रहा है आप सभी समझ सकते हैं. तो इसी तरीके से कई सारे लोगों ने इसको लेकर कमेंट किया है, अपनी बात रखी है और सभी लोगों ने यहाँ पर नागालैंड को लेकर और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स को लेकर अपना फुल सपोर्ट दिखाया है. बस बात वही है कि आम जनता तो कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट दिखा ही देती है, लेकिन भाई बात वही आ जाती है ना यार कि आम जनता सपोर्ट दिखा रही है, लेकिन जो बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनके ऊपर एक्शन लेकर ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि लोग इन बातों को सीरियसली लें कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की हम इस तरीके से बुराई नहीं कर सकते, एंड वो जो भी स्टेट्स हैं वो सभी सबकी सब इंडिया का ही एक पार्ट है, ना कि दूसरी कंट्रीज़ हैं. आप उनको इस तरीके से मत देखिए कि वो दूसरे कोई देश हैं, क्योंकि यही वो मानसिकता है जो कि इन दी एंड पारस जैसे बच्चों के मुंह से बाहर आ जाती है और फिर पुलिस उनको पकड़ लेती है. अगर हम इन चीज़ों को इनके रूट कॉज पे जाकर ख़त्म नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होने वाली और इसी तरीके से दर दर आगे ही बढ़ती रहेंगी. मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.